वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। हम अक्सर न्यूज के बड़े बहुत सारे वीडियोज अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए गाइस, वीडियो का मेन हिस्सा शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। मौजूदगी का इंकशाफ इसराइली अखबार करता है, लेकिन यहां से तरदीद आ जाती है सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान में यह शुरू हो जाता है कि अगर सऊदी अरेबिया सारे तस्लीम करने लग गए हैं तो आप भी तस्लीम करें। सर देखिए वकाफ, पाकिस्तान का जहां तक इसराइल के साथ ताल्लुक है तो हम इसराइल के कैंसर का एंटीडोट है, इसका इलाज है। अल्लाह ताला ने हर बीमारी से पहले उसका शिफा पैदा की है, और इसराइल जैसे कैंसर से पहले पाकिस्तान को किसी मकसद से बनाया गया था। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, कायद आजम ने, अल्लामा इकबाल ने जिस वाज़े तौर पर बता दिया था कि हम किसी सूरत इस कैंसर को तस्लीम नहीं करेंगे, अ डैगर इन द हार्ट ऑफ द मुस्लिम्स क्लब इस्तेमाल किया, अ वेस्टर्न आउटपोस्ट ऑन द गेट्स ऑफ ईस्ट क्लब इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा मैं जेल जाने को तैयार हूं, और उस वक्त सारे मुसलमान अखबारों में लफ्ज यहूदी इस्तेमाल होता था। यहूदियों को हम मुसलमानों की जमीन पर नहीं आबाद होने देंगे। तो आजकल जो अरब दुनिया है, ये तो सारे वो हैं जिनके बारे में बाल ने 100 साल पहले कह दिया था कि ये हाशमी बेच रहे हैं आबरूए दीने मुस्तफा। ये बेच चुके हैं सब कुछ, खाने काबा के ऊपर जिस तरह इन्होंने उस्मानी तुर्कों को शहीद करके लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस की हुकूमतें बनाई गई थी सारी मिडल ईस्ट में, ये सारे के सारे हिस्टोरिकली ब्रिटिश इंटेलिजेंस के एजेंट थे, हैं, और अब वक्त आ गया है। उस वक्त कमजोर थे लिहाजा इसराइल के खिलाफ बोलते थे, अब इनको तकब्बुर हो गया है कि अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा खुल के इसराइल को रिकग्नाइज कर रहे हैं। और इसराइल ने जो ग्रेटर मिडल ईस्ट के अंदर एक्सपैंड करना है, जो ग्रेटर इसराइल बनाना है, उसके लिए जरूरी है कि मुसलमान मुल्कों में दाखिल हो। उसको अरब दुनिया से अब कोई खतरा नहीं, खतरा पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त इसराइलियों की मौजूदगी चूंकि अभी तक नहीं है, लिहाजा इनको काम करना पड़ता है सऊदियों के थ्रू, अमेरिकन के थ्रू, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के थ्रू। लेकिन अगर सोचे कि एक एम्बेसी इसराइल की इस्लामाबाद में बन जाए तो पाकिस्तान की सफों में ऑलरेडी जो इस वक्त इतने गद्दार हैं कि हम इनको एक्सपोर्ट करके जरा मुबादला कमा सकते हैं, ये गद्दार इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान का क्या हल करते हैं। यहां आर्गूमेंट दी जा रही है कि जी अरबों का मसला है, हम या ये एक आर्गूमेंट ये दी जा रही है कि साहब अगर फलस्तीनियों को उनके हकूक दे दिए जाए तो हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, ये बात आपके वजीर आजम ने कही है। मेरा सवाल इनसे ये है, ये आर्गूमेंट इसी तरह की है कि कोई आपसे ये कहे कि हम कश्मीर पर भारत का कब्जा कबूल कर लेंगे अगर भारत कश्मीरियों को उनके हकूक दे दे। सही है, बेमानी हकूक को डिफाइन यही है ना कि उनकी टेरिटरी, जुमले का क्या मतलब जी, यानी इस जुमले का क्या मतलब है कि हम भारत का कश्मीर पर कब्जा तस्लीम कर लेंगे अगर कश्मीरियों को उनके हकूक मिल जाए। अगर कोई ऐसी बात करे तो आप कहेंगे दीवाना है, पागल है, एबनॉर्मल है। ये बात कोई पाकिस्तानी कैसे कर सकता है कि अगर इस फलस्तीनियों को हकूक मिल जाए तो हम इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लेंगे। इसराइल की रियासत ही ना जाए, वो एक बताते खुद एक कब्जा है, मुसलमानों के कल्ब में खंजर है ग्रेटर इसराइल। अब अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लें, सपोज आपने कर ली तस्लीम, अब कल इसराइल मस्जिद अक्सा गिराकर वहां टेंपल ऑफ सोलोमन बनाता है, उस वक्त आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हम दोबारा से तुमको गैर तस्लीम कर लेते हैं? इसराइल जब पूरी मुस्लिम दुनिया तबाह कर चुका है और पाकिस्तान पर 10 हमले कर चुका है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, और पिछले साल भी 27 फरवरी को इसराइली इंडियंस के साथ उड़कर आए थे आप पर हमला करने के लिए, और ये तूफान खड़ा हुआ था कि इसराइली पायलट था दूसरा जो हमने अभिनंदन के साथ पकड़ा, तो हमारा क्या मतलब है लोगों का ये कहने का कि हमें कोई प्रॉब्लम इसराइल से नहीं है, तो अरबों का मसला है, अरब तस्लीम कर ले तो हम भी तस्लीम कर लेते हैं। इसराइल हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, वो बिच्छू हमारे गोद में आके बैठना चाहता है ताकि डंक मारने में उसको आसानी रहे। हम बिल्कुल ही बावले हो गए, इसको अरबों का मसला समझ रहे हैं। इसका ये मसला मस्जिद अक्सा का है, अरबों का नहीं, क़िबला अव्वल ये अरबों का नहीं, क़िबला अव्वल मुसलमानों का है। जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़द्दस शरीफ फतह किया, उससे पहले सैयदना उमर ने फतह किया, उस वक्त कौन सा इसराइल था वहां पर?
इसराइल नहीं था, मुसलमानों ने क्यों बैतुल मक्दस को फतह किया? हमने तो बैतुल मक्दस दोनों दफा ईसाइयों से फतह करवाया था, उस वक्त कोई इसराइल नहीं था। उस वक्त हमारी जज्बाती वाबस्तगी बैतुल मक्दस शरीफ से क्यों? इसलिए थी कि वहां पर इसराइल की नाजायज रियासत बन जाए तो हम उसे तस्लीम कर लेंगे। आपके अगर मक्का या मदीना के ऊपर अगर मस्जिद नबी पे नाउज़ु बिल्लाह यहूदियों का कब्जा हो जाए तो क्या आप ये कहेंगे कि अगर मदीने वालों को हुकूक दे दिए जाएं तो हम मदीने पर यहूदी रियासत तस्लीम कर लेंगे? क्या आप ये कह सकते हैं? किस कसम की बेशर्मी की बात करते हैं हमारे यहाँ। एक पूरी लॉबी पाकिस्तानी मीडिया में मौजूद है जो इस फौरन सांपों की तरह फंकारना शुरू कर देते हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लो। इन सबको रिकग्नाइज कर लीजिए, ये उसी तरह हमारी सफों के गद्दार हैं जैसे अल्ताफ हुसैन या तकदैया दूसरे सियासी गद्दार पाकिस्तान की सफों में मौजूद हैं। ये मीडिया के दहशतगर्द कोई सवाल, ये मैं मुशर्रफ की वक्त बताऊं, देखिए एक वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट है सुनाने का। जनरल मुशर्रफ ने बहुत कोशिश की इसराइल रिकग्नाइज करने, वो तो फौजी डिक्टेटर थे, जो चाहते कर लेते। अमरीका गए, यहूदियों की बहुत बड़ी कांग्रेस से खिताब भी किया, उस वक्त बिल्कुल तस्लीम करने जा रहे थे कि पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में बगावत हो जाएगी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कत्ल कर दिया जाएगा, मुल्क के अंदर फौज में बगावत हो जाएगी। इतना सीरियस इंटेलिजेंस एनालिसिस आया था कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जैसा शख्स तस्लीम करते करते वापस आ गए कि हम मुल्क के अंदर बगावत अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा हो जाए। आप सोचे क्यों? प्रेसिडेंट मुशर्रफ तो बिल्कुल कबूल करने चले गए, उनको रोकने वाला कौन था? वो तो अमरीका के साथ भी उन्होंने फैसला कर लिया, पूरे मुल्क में जलसे हुए, उन्हें कोई साथ नहीं पड़ा, उन्होंने अमरीका अफगानिस्तान वॉर में साथ दिया। तो फिर इसराइल के मामले पर क्यों घबरा के डर के पीछे हट गए वो? बिकॉज मुल्क के अंदर बगावत का खतरा। और यही बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को जहन में रखना चाहिए, मजाक नहीं बनाए पाकिस्तान की पूरी कौम को, वैक्सीन ठोक के तो तुम मार दोगे, कौम मर जाएगी। लेकिन इसराइल को रिकग्नाइज करने की बात की तो कौम छोड़ेगी नहीं कर दो। लेकिन क्यों जैसा, ये तकरीबन जब से इसराइल और ये फलस्तीन का मसला है हजारों प्रोग्राम हो चुके हैं, इसका हल क्या है? हमारे ही क्यों, पाकिस्तानी क्यों इतने जज्बाती हैं? वो जो पूरे का पूरा मिडल ईस्ट है वो कश्मीर के ऊपर इतना जज्बाती नहीं, लेकिन हम अपने मसले को अपने मसले से ज्यादा वहां पर जज्बाती हैं। और फिर इसराइल तो अब एक ताकत बन चुका है, वहां पर उसको किस तरह मिटाया जा सकता है? किस जो वजीर आजम का डायलॉग है कि उनको राइट दे दिया जाए, हम तस्लीम कर लेंगे, तब तक नहीं करेंगे, तो यही है ना कि वो ताकत बन चुके हैं, वो ताकत से इनकारी कोई भी नहीं है। देखिए भारत ने भी कब्जा किया हुआ है कश्मीर पर, भारत का कब्जा तसल्लुत कबूल कर लीजिए, भारत ने तो उसके अलावा 370 भी खत्म करके अब तो बिल्कुल ही एनेक्स कर लिया, अब तो डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, अब तो एक और फलस्तीन बना रहा है आपके मशरक में, आप सारा कुछ तस्लीम कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द ब्लडी इशू देयर? आपने जुल्म और ज्यादती को, आपने इस्लामी तारीखी रूहानी रिश्तों को अगर पामाल करना है, तोड़ना है पैसे और मफाद के लिए, तो कर जाइए। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा था कि आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल, जो हमारी आइडियोलॉजी थी, जो नजरिया था, जो इस्लाम जो दीन था, जो इकबाल था, जो कायदे आजम था, जो लियाकत अली खान थे, उन सबको थूक के समंदर में फेंक दीजिए, कहिए हमारा कोई ताल्लुक नहीं उनसे, हम अपने पैसे के इंटरेस्ट पे काम करेंगे। जनसेड ओपनली, छूट मत बोले, मुनाफकत मत करें, खुल के बोले कि हम पैसे की खातिर अपना दीन बेचेंगे, खुल के बोले ना यार, बेशर्मी क्यों करते हो, मुनाफकत क्यों करते हो? आप इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। टोपी के वीडियो का होता है दी एंड, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने लाल टोपी को सुना, लाल टोपी को सुनकर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ये सर्टिफाइड चूतिया है। सर्टिफाइड चूतिया मतलब इसे यूनेस्को की तरफ से सर्टिफाइड चूतिया पा का सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो इसे सुनकर हमें इसके मजे लेने चाहिए और मजे लेकर हमें अपने चेहरे पर एक स्माइल लानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके के वीडियो लाल टोपी अब पता नहीं कितने दिन लाएगा, क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अब टीवी पर ये आता है एज अ ऑडियो, मतलब ये अब लाइव नहीं आता है, वीडियो अपना शो नहीं करता है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है। और आपको पता है सऊदी अरेबिया से इसकी पुरानी खुन्नस है, खुन्नस क्यों है? क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर जूते पड़े थे और कोड़े पड़े थे, जिसका जिक्र इसने एक इंटरव्यू में किया था। सीए अपनी वाइफ के साथ आया था, इसे बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ी थी, जिसके बाद से ये अभी तक सऊदी अरेबिया को
एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं कर पाया है और हमेशा सऊदी अरेबिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई थी उसके बाद से जैद हामिद और पाकिस्तानी मीडिया में एक भूचाल आ गया है। उस भूचाल की वजह इन चूतियों को पता नहीं क्या है, मतलब ये लोग हर जगह कोई भी मुस्लिम मैटर हो टांग अड़ाते हैं। ऐसा अपने भारत में भारत में भी होता है और बांग्लादेश में होता है। यहाँ के कुछ लोगों के अंदर कुछ खास तरीके का कीड़ा है जो इनके पिछवाड़े में हमेशा काटता रहता है, तो उसी के चलते इस तरीके की ये बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।